गुड मॉर्निंग एवरीबरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस कैन यू सी मी कैन यू सी मी हियर मी गुड मॉर्निंग मानसी सेजल गुड मॉर्निंग कुछ अलग लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ है मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हमजा विनीता सौम्या हाव यू ऑल कैसे हैं भाई सब लोग सुषमा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सो जल्दी जल्दी से अपना अपना रिचुअल साथ के साथ पूरा कर दिया करो फटाफट फड़ से अपनी अपनी फेवरेट स्माइली भेज दिया करो जल्दी से जल्दी से साथ के साथ ही साथ के साथ ही हाँ क्विकली क्विकली क्या बात है जल्दी 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 अपनी फेवरेट अपनी अपनी फेवरेट स्माइली भेजना शुरू कर दो साथ के साथ ही साथ के साथ हो जाना चाहिए गाँव ये क्या बात है नाउ द स्क्रीन लुक्स सो हैप्पी क्या बात है <laughs> क्या बात है वेरी गुड वेरी गुड ना देखो अभी देखो एकदम स्क्रीन एकदम कलरफुल लग रही है वाह 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 तो आज अपने बच्चों का हम मनोबल बढ़ाएंगे कैसे हम हम अपना हम अपना फेवरेट मोटिवेशन सॉन्ग गा के है ना बहुत दिन हो गए हम लोग अपना मोटिवेशन सॉन्ग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में सो so, क्या कहते हो तुम लोग करें मोटिवेशन सॉन्ग करें एंड देन वी विल प्रोसीड है ना कंप्लीट रिवीजन करनी है यार जोलॉजी की नहीं यस yes. यस yes. करेंगे ना अपना यस 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 व्हाई नॉट व्हाई नॉट सो वी विल डू वी विल डू अपना अपना रिचुअल सॉन्ग क्योंकि मैम तुमसे अपना रिचुअल करवाते हैं रोज रोज अपना रिचुअल तो करती नहीं है है ना so, हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपना मॉर्निंग मॉर्निंग किक स्टार्ट क्या है guys? ये दिस इज मॉर्निंग आज हमको बायोलॉजी की पूरी रिविजन करनी है इसलिए आज हम अपना मोटिवेशन सॉन्ग आगे सो गाइज विच विच इज विच ऑफर मोटिव मोटिवेशन सॉन्ग मैंने एक नया भी फाइंड आउट किया है वो कल होगा

मेमोरिक्स पढ़ के के आगे मुझमें कहीं फिर क्या कॉल की क्लास आ गई हुई सुबह

सो so, इसने भी हमें अब वो दे दिया है एक सिग्नल दे दिया कि मैम अब आगे चलो फटाफट फड़ से या <laughs> चैनल yeah? so और ये है हमारा प्रेस सो ऑल ऑफ दीडियोज कैन एक्सेस तो आज के सेशन में भी गिटार उठाई जा सकती है बिकॉज वी हैव सम मेमोरिक्स वी ऑलरेडी या सो Uh, ये है आपका टेलीग्राम का लिंक गाइस अगर so, आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर करना एंड यू कैन एनी बेवकूफ बच्चे <laughs> 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 है. है तो मेरे ही ना कोई नहीं ठीक <laughs> है so, guys, sort of तो गाइज एनी दिज सॉ क्वेश्चन आप जरूर uh, ये uh, क्या लेना है आपको यू कैन विन दिदांतु यू कैन टेक द विदांतु हमारा जो है एक ग्रेट डील इट इट हैजार्टेड द बैचेज इट्स बीन स्टार्टेड फ्राम मंडे टू सैटरडे टेन थाउजेंड का डील है एंड यू कैन टेक इट इन एट थाउजेंड रुपीज बाई अप्लाइंग द कूपन गॉड एम एस नीट ठीक है भाई चलो भाई बच्चों चलते हैं तो आज के हमारे सेशन का डिटेल्स हैं ये एंड हम लोग हैं यहाँ पे और उसके बाद उसके बाद हम शाम को दोबारा मिलेंगे ओके चलो सो स्टार्ट करें गाइस हु ऑल आर रेडी फॉर द फ्लो चार्ट कौन कौन रेडी है फ्लो चार्ट के लिए यस सो आज हम लोग कंप्लीट रिविजन करेंगे जोलॉजी का थ्रू द फ्लो चार्ट ठीक है जो जो भी भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फ्लो होंगे सो वी विल कवर ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द फ्लो चार्ट थ्रू दैट ठीक है और हमने जो इसके कई कई मेमोनिक्स किए हैं पहले सो हम लोग वो भी कर सकते हैं इसको या यस रेडी आर यू रेडी कौन कौन रेडी है भाई जल्दी बता दो फटाफट से हाँ कैरी में भी, भी आया है यहाँ पे क्या बात है कैरी में को बाल जी पढ़नी है रेडी ना यस चलो वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रेडी यस yes. चलो शाबाश सो गाइस लेट अस लेट अस जस्ट स्टार्ट बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फटाफट से हम लोग फटाफट से क्या करेंगे uh, इसको क्विक रिवीजन देंगे एक तो इसमें हमने काफी ज्यादा मेमोनिक्स भी किए हैं वी विल बी कवरिंग दैट ओके सो वन वन चलो वेरी गुड सो लेट अस जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं कुछ मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगी कि जो जो आपको हेल्प करेंगी बहुत ज्यादा ठीक है सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइज ऑलवेज इफ इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमेशा दो हिस्से में बटा होता है कौन सा पहला होता है प्राइमरी जो कि गैमिट्स uh, प्रोड्यूस करता है तो यहां पे देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑब्वियसली इसमें क्या होगा इसमें होगा टेस्टिस ठीक है टेस्टिस विल प्रोड्यूस स्पर्म्स ठीक है अगर आप इसको इस इसको एक्सपैंड करना चाहते हो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो आगे कि स्क्रॉटम है व्हाट इज द वेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम एंड थिंग्स लाइक दैट एंड उसके बाद में हुआ हमारा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से हमारे पास क्या है डक्ट सिस्टम एक्सेसरी ग्लैंड कॉपिलेटरी ऑर्गन बच्चा फटाफट से बता दो मुझे कि डक्ट सिस्टम मेन मेन क्या है बताओ बताओ मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें इसका बाकायदा एक वो दिया है मेमोनिक दिया है आई हैव यस यस क्या बात है सो so, गोपाल पुरोहित ने लिख के बता दिया यहाँ पे यस वेरी गुड गोपाल पुरोहित के लिए तालियां क्या क्या था काफी राना भी किया था ना रवि वाज जॉइनिंग वी था बट यार इट्स हेल्प रवि क्या था रवि है ना आर वी रवि वाज जॉइनिंग इजी यूनिवर्स ठीक है तो ये क्या है ये सारा का सारा आपका डक्ट सिस्टम है दिस होल इज योर डक्ट सिस्टम रवि वॉज ज्वाइनिंग इजी यूनिवर्स गाइज तो फटाफट से अगर इसको लिखना हो सो so आर क्या है आर इज रिटी टेस्टिस है ना रीटी टेस्टिस ये डक्ट सिस्टम लिख रही है बिकॉज मेरे पास यहां पे जगह नहीं नीचे इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूं ठीक है रीटी टेस्टिस फिर उसके बाद में वैसा एफरेंशिया वैसा एफरेंशिया सॉरी वॉट द राइटिंग E से एपिडिडाइमिस ठीक है एपिडिडाइमिस वैस अगेन वैसा डिफरेंशिया या डिफरेंस कह लो ठीक है द डक्ट ऑफ द सेमिनल सेमिनल वेसिकल की डक्ट है लेकिन है वो भी डक्ट ही ठीक है डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल ठीक है इजैक्यूलेटरी डक्ट इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड देन लास्ट इज यूरिथ्रा यूनिवर्स से क्या बना था यूरिथ्रा राइट right?

क्या बात है गोपाल ने लिख दिया है गौरव ने दिनेश ने लिख दिया है वेरी गुड वेरी गुड यस 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 कौन से सेमिनल सेमिनल वेसिकल वेसिकल पहला है जो लोग बाकी और लिख रहे हैं बच्चे वो यहां पे मैच कर लो सेमिनल वेसिकल है देन प्रोस्टेट ग्लैंड है देन प्रोस्टेट ग्लैंड है एंड देन लास्ट में आपका कापर्स ग्लैंड है यह बल्बुल ग्लैंड है ठीक है काउपर्स ग्लैंड है चलो शाबाश अब इसमें मुझे बता दो कि कौन सा पेयर्ड है पेयर्ड कौन सा है पेयर्ड कौन सा है इसमें से सॉरी अनपेयर्ड कौन सा है अनपेयर्ड कौन सा है <laughs> एक एक अनपेयर्ड है वो बताओ विच वन इज अनपेयर्ड अनपेयर्ड कौन सा जल्दी से बता दो नहीं नहीं नहीं, नहीं. ये ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार हाँ कौन सा अनपेयर्ड है प्रोस्टेट इज अनपेयर्ड एग्जैक्टली क्या है प्रोस्टेट इज अनपेयर्ड बाकी सारे ये पेयर्ड हैं याद रखना है इस चीज को ठीक है हाँ प्रोस्टेट इज अनपेयर्ड वेरी गुड शाबाश बहुत बढ़िया टरी ऑर्गन मिक आपको पता ही है इट इज ठीक है सो दे दिस इज फ्लो चार्ट इसके थ्रू बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं आप इसको एक्सपैंड करना चाहो आप सेमिनल का प्रॉस्टेट का, का फंक्शन लिख सकते हो इसके साथ में इट्स ऑल अपू यू दिस इज जस्ट बेसिक आइडिया चले आगे चले आई थिंक दिस दिस मच इज क्लियर टू यू ये सबको क्लियर हो गया ये क्लियर हो गया सबको ये चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट चलते हैं

साइकिल तो साइकिल के दो पहिए होते हैं ना दिस इज साइकिल वन दिस इज साइकिल टू ठीक है एंड टिल जू ठीक है सो गो साइकिल टिल जू सो दिस इज गाइड दिस इज परमेटो क्या बात है दिनेश अच्छा दिनेश चल ठीक है ठीक है सो राइट सो दिस इज योर आपके इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऊजेनेसिस पे भी इंप्लीकेबल है

ये 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 भी 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 है 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 अब सारे ठीक तो आपको question इस तरीके से आते हैं यहां पे एग्जैक्टली सो टू एन टू एन फिर एन 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 ठीक है ना सो टू एंड साइकिल का एक पहिया इज टू एन एंड दूसरा पहिया इज एन ठीक है लाइक दैट सो इस तरीके से यहां पे आप देख भी सकते हो देखो

सो so, ये रिप्रोडक्शन का हमारा दूसरा हो गया इसमें भी हमारा है वो लग गया मेमोनिक लग गया एक ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं सेम थिंग गो साइकिल वाली यहां पे भी लगेगी प्राइमरी सेकेंडरी और एग ठीक है इसमें एक और कौन सी चीज है जो हमने नहीं लिखी है जो रिलीज हो रही है जल्दी बताओ हाँ डन एंड डस्टेड वेरी गुड मुझे ये बताओ कि इसमें से एक और एक और चीज है जो यहाँ पे रिलीज हो रही है लेकिन हमने नहीं लिखी है एक और जो डिजेनरेट हो जाती है पोलर बॉडी क्या बात है वेरी गुड पोलर बॉडी है पोलर बॉडी जो है अब यहां देख के हमको पता चल जाएगा ये देखो ऊगोनियम प्राइमरी उइट प्राइमरी उइट यहां पे भी डिप्लॉयड है उगोनियम भी डिप्लॉयड है ठीक है बच्चों यस yes? फिर उसके बाद में प्राइमरी उइट जो है हमारा उसमें मियोसिस हुआ जब ये सेकेंडरी ऊसाइट बनता है ना बेटा यहाँ पे जब ये एन है तो यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होता है दैट मीनस यहाँ पे हमारी एक पोलर बॉडी भी होती है फर्स्ट पोलर बॉडी ठीक है दिख रहा है दिख रहा है कलर यहां दिख तो रहा है यस yes? तो यहां पे हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी होती है जो कि डीजनरेट हो जाती है जो क्या हो जाती है डीजनरेट हो जाती है राइट right? उसके बाद में सेकेंडरी ऊसाइट जो है वो कौन सी स्टेज में होता है सेकेंडरी ओसाइट को को लॉक कौन सी स्टेज में लगता है जल्दी से बता दो फटाफट फड़ से सेकेंडरी ओसाइट लॉक कौन सी स्टेज में हो जाता है कौन सी स्टेज में होता है मेटाफेज 2 में क्या बात है वेरी गुड वेरी गुड मेटाफेज 2 में ये क्या हो जाता है लॉक हो जाता है वेरी गुड यस मेटाफेज 2 में ये लॉक हो जाता है एंड देन फर्टिलाइजेशन की तभी होती है जिस इसका मेटाफेज 2 तभी टूटता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है एंड देन इट बिकम्स मेच्योर एग और इसके बाद इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है ठीक है तो सेकेंडरी पोलर बॉडी तब रिलीज होती है सेकेंडरी पोलर बॉडी कब रिलीज होती है जब इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है देखो स्पॉम के एंटर होने के बाद में सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है वो रिलीज हो रही है सेकेंड पोलर बॉडी राइट समझ आ गया सबको तो फर्स्ट पोलर बॉडी बिफोर फर्टिलाइजेशन सेकेंड पोलर बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो जब ये बनता है एग बनता है यस yes? सबको समझ में आ गया हुँ? चलो 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 वेरी 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 गुड 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 शाबाश बहुत बढ़िया very good, very good. चलो, आगे चलते हैं सो ये हो गया हमारा अब आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में से हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इतना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना इंपॉर्टेंट है है ना देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें

वो पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच को या नेगेटिव फीडबैक देता है जल्दी से बता दो फटाफट से क्या देता है जल्दी 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 सब लोग बताओ फटाफट सब लोग लिखो फिर मैं सबके एक साथ देखूंगी कि देखो तो सही कि क्या, लिख रहे हैं दोनों में पहले हाँ बोल देती हूँ तो तुम तुम्हें तु लगता है हाँ मैम ने बोल दिया वाह क्या बात है पॉजिटिव फीडबैक देता है दैट मीन्स पॉजिटिव फीडबैक देता है गाइज ये दिस दिस गिव्स अ पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच राइट एल एच को पॉजिटिव फिर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल यहाँ पे नीचे होता है वेरी गुड प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल नीचे जैसे यहाँ पे पहुंचता है यहाँ पे सर्ज सर्ज लगती है और ये कौन से डे पे लगती है डे डे इज इज दिस द जो कि ओव्यूलेशन का डे माना जाता है राइट आफ्टर दिस ओव्यूलेशन हो जाती है फोर्टीन डे को एल एच सर्ज लगती है ना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है एल एच सर्ज ऑफ एल एच या एल एच सर्ज कौन से डे पे लगती है फोर्टीन किसके इन्फ्लुएंस में एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में ठीक है ना हाँ जी यस एग्जैक्टली exactly. अब चलो अब बेटा मुझे बताओ अब सेकंड हाफ में ये फर्स्ट हाफ है इसके चलो फेजेस तो हम बाद में डिस्कस करें पहले इसको डायग्राम को समझते हैं सेकंड हाफ में मुझे बताओ कि ये जो डायग्राम ऐसे और ऐसे करके हो रहा है तो इज इट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या ये है नहीं है या नहीं है क्या pituitary hormone इसको इसको अपना वो कर रहे हैं कंट्रोल कर पा रहे हैं? नो 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 दे पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है अब इसको नेगेटिव क्योंकि साथ में हाँ क्या बात है वेरी गुड शाबाश बहुत बढ़िया एग्जैक्टली ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है इसको है ना अब इसको रिलीज नहीं होने देगा ओके okay? सो so, बिकॉज यहां पे इसका अब रिलीज कहां से आ रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा है प्रोजेस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी यही रिलीज करता है ठीक है हाँ बिल्कुल सही है अब तुम इसमें देख लो पहला जो फेज है तुम्हारा वो मेंस्ट्रुअल फेज है दूसरा फॉलिकुलर फेज है ये फाइव डेज के लिए रहता है फॉलिकुलर फेज तुम्हें पता ही है यहां से स्टार्ट होता है सेवेंथ डे से तुम मान सकते हो फोर्टीन डे तक होता है दिस इज द फॉलिकुलर दॉलिकुलर फेज फिर ओव्यूलेटरी फेज आता है

डन डस्टेड डन हो गया चलो वेरी गुड चलो शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डन डन चलो मेमोरी ग्लैंड की अगर हम बात करें हाँ मेमोरी ग्लैंड का आई थिंक ये सबको क्लियर है पहले मैं बता भी चुकी हूं ये क्या मेमोरी ग्लैंड में आपको क्या करना है सिक्वेंस लॉब्यूल्स मेमोरी एल्व्यूलाइ एल्व में जहां पे मिल्क सिक्रीशन होता है देन मेमोरी डक्ट देन फिर उसके बाद एम्प्यूला एम्प्यूलाज अन पार्ट फिर लैक्टिफेरस डक्ट फिर निपल्स आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो दिस इज अ फ्लो चार्ट आई थिंक अम्मा <laughs> अम्मा exactly, अम्मा यस यस yes, yes. अम्मा के नाम से तुम कर सकते हो इसको यस yes. है ना दादी अम्मा के नाम से किया था ना ये हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. अम्मा के नाम से तुम इसका शॉर्टकट बना सकते हो फिट कर लेना खुद ही अपने आप इसको ठीक है कुछ तो तुम भी करो ना सारा कुछ मैम करेगी क्या है ना ठीक है चले आगे चले यस

बता देंगे भाई ठीक है कैसे है चलो हार्मोनल मेथड्स में ओरल है? है, पिल्स हैं पिल्स में लेकिन कौन सी हैं सिर्फ और सिर्फ माला एन एन माला डी एक जो हमारी हार्मोनल पिल नहीं है विच ऑफ of... हाँ बिल्कुल सही एक कौन सी नॉन हार्मोनल पिल है हमारी जल्दी से बता दो फटाफट फड़ से नॉन हार्मोनल पिल कौन सी है विच इज द नॉन हार्मोनल पिल सहेली एग्जैक्टली exactly. तो यहां हाँ जी, सहेली है तो बेटा यहाँ पे ना माला एन एंड माला डी की बात की गई है माला एन एंड माला डी की बात की गई है <coughs> सहेली जो है वो नॉन हारमोनल है yes. right? सहेली क्या करती है? इट मॉडिफाइज द डैश रिसेप्टर्स चलो फिर करो फटाफट फड़ से इट मॉडिफाइज द डैश रिसेप्टर्स किस को मॉडिफाई करती है चलो जल्दी बताओ फटाफट फड़ से कौन बताएगा मुझे हाँ बताओ बताओ हाँ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को क्या करती है मॉडिफाई करती है तो सहेली इसलिए ही नॉन हार्मोनल पिल है यस, yes, सहेली इज़ नॉन हार्मोनल पिल। ठीक है, बिकॉज़ ये हार्मोन रिलीज करती right? चलो. में कौन -कौन से है हार्मोन रिलीजिंग होते हैं एंड नॉन मेडिकेटेड होते हैं जानते हैं ना सब लोग ये कोई एग्जाम्पल दो IUDs के एग्जाम्पल दो फटाफट फड़ से जल्दी से IUDs के एग्जाम्पल दो हाँ कॉपर हाँ बिल्कुल सर कॉपर टी कॉपर जेड हाँ हाँ शाबाश जल्दी 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 कॉपर टी हो गया कॉपर जेड हो गया फिर क्या होता है वो मल्टीलोड 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 थ्री सेवेंटी फाइव ठीक है लिपेज लूप है ना लिपेज लूप तो इसमें से आपको क्वेश्चन काफी आ जाते हैं कि भाई कौन सा मेडिकेटेड है कौ, कौन सा जो है वो नॉन मेडिकेटेड है तो आपको पता एल एन ये सारे के सारे आपके इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में आ जाएंगे फॉर ठीक है चलो वेरी गुड स्टरलाइजेशन में बच्चों वैस एक्टमी है ट्यूब एक्टमी है वैस एक्टमी में होती है वैसेमी होती है मेल्स में और ट्यूब एक्टमी होती है फीमेल में आई थिंक ये सबको पता चली जाएगा अब नाम से वैसेक्टमी वैसा डिफरेंस है कि एक्टमी ट्यूब एक्टमी फेलोपियन ट्यूब की ठीक है सबको समझ में आ गया ये यस बैरियर मैथड्स की बात करते हैं बैरियर मैथड्स में आपको सबको पता है कॉन्डम्स एंड वॉल्ट ठीक है इट इज फॉर मेल्स एंड दिस इज फॉर फीमेल्स ओके इन सब में से विच मैथड इज यूज टू कंट्रोल द एस टी आईज ऑल्सो हाँ बताओ इन सब में से कौन सा जो मेथड है वो एस को कंट्रोल करने में भी काम आता है क्या ये ओरल पिल्स हैं या आईयूडीज हैं स्टरलाइजेशन है या बैरियर मेथड्स है, है, है? जल्दी से बताओ शाबाश 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 शब मैं भी बताऊंगी नहीं कि किसने किसने सही लिखा किसने गलत फिर तुम मैं भी देख देखते जा रही हूँ कि कौन कौन सही लिख रहा है हाँ नहीं 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 बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा है बहुत सारे बच्चों ने गलत भी लिखा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सेक्शुअली ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अब यहां पे एक दो चीजों का हाईलाइट कर लेना इधर को कंट्रोल करता है आपके बैरियर मैथड्स एस टी को कंट्रोल करता है बैरियर मैथड द डायफ्राम एंड दर्ड्स समझ आया यस बैरियर मैथड्स आई यूडीज डीज नहीं करते बेटा आई नहीं करते हैं क्या करते हैं सब लोग लिख दो बैरियर मैथड बैरियर मैथड जो है वो यूज करने के काम है। है यस देन उसके बाद आता है, एक और यहां से पूछा जाता दैट ये बताइए कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है इनमें से इंडिया में कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है बताओ इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है इसमें से हॉर्मल आईडी और ये और ये हा हा इसका जवाब आईयूडी है तो पहले का जवाब तुम तो आईयूडी दे रहे हो, इसका जवाब एग्जैक्टली आईयूडी है इंडिया में ज़्यादा ज़्यादा यूज़ यूज़ होते होते हैं, इंट्रा यूज होते हैं, है yes, yes, exactly. yeah. पहले का आंसर वो है कॉन्डम्स है, ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चले देन उसके बाद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव है? क्या आर टी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अगर आप बोर्ड्स में हैं तो बोर्ड्स में इसमें में क्वेश्चन आता है जिसमें से कि आपको क्या इसी है, के अंडर लिखना होता है Zygote, Transfer, Gift, Gamete, Transfer, Sperm, IUT, तो इसमें से पहले मुझे ये बता दो महंगा कौन सा है विच इज सबसे कॉस्टली आईयूटी आईसीएसआई गिफ्ट और जिफ्ट कौन सा सबसे महंगा है चलो जल्दी 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 बताओ जल्दी हमारे पास टाइम नहीं है हाँ कौन सा हाँ चलो 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 लिखने दो अच्छे से देखें तो सही कितना आता है <laughs> कितना आता है मतलब कि आ, आता तो बहुत कुछ है लेकिन इम्प्लीमेंट कितना आ रहा है हाँ, हु, 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 चलो 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 क्या बात है ऑलमोस्ट सबने ही सही आंसर लिखा एग्जैक्टली दिस इज दिस वन इज द अस्टियल है ना सबसे ज्यादा कॉस्ट मतलब कि एक्सपेंसिव है ये येस yes.

इसमें गिफ्ट में इन साइड होगी इन विवो होगी और गिफ्ट जिफ्ट में इन विट्रो होगी तो नाम भी जैसे टंग ट्विस्टर लगते हैं बोलते हो ठीक <laughs> है इन 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 विट्रो इसमें इन्वीवो, इसमें विवो विवो मतलब बॉडी के अंदर ठीक है आईसीएसआई -E, तो पता ही है स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं उसमें साइटोप्लाज्म में उसके इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर इसमें इसमें क्या ट्रांसफर करते हैं इंट्रा यूट्रोस में क्या ट्रांसफर ट्रांसफर कर सकते हैं जल्दी से बताओ फटाफट से कौन से स्टेज ट्रांसफर ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर करेंगे देखना मैं भी मैं भी मैं भी वो कर दी कौन से कौन से स्टेज आईयूटी में कौन से स्टेज ट्रांसफर करते हैं जल्दी से बता दो तो फट हाँ ब्लास्टोसिस्ट करते हैं एग्जैक्टली पर यहाँ पे मोरुला मतलब 16 टू 32 टू सेल स्टेज है ना वो ऐसा होता है ना एट टू सिक्स फिर ब्लास्टो ब्लास्टोमियर बिल्कुल नहीं होता है के ब्लास्टोसिस्ट होता है फिर देन इट इज़ कन्वर्टेड इन टू ब्लास्टोसिस्ट और ये इम्प्लांट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट इन द केस ऑफ मैमल्स ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले ब्लास्टोसिस्ट इन द केस ऑफ मैमल ब्लास्टुला इन अदर एनिमल्स राइट हां जी ब्लास्टोमियर स्टेज है बेटा वो ब्लास्टो ब्लास्टोमियर नहीं है पूरा देन उसके बाद इवोल्यूशन आता है इवोल्यूशन मैं आपको पता ये ज्यादा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ये है हमारा ओपेरन एंड हेल्डन वाला जो है हमारा एक्सपेरिमेंट था ये और थ्यूरी सॉरी ये मिलर और यूरे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और ओपेरन और हेल्डेन ने ये थ्यूरी दी थी कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है ठीक है तो क्या है आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक मैं फटाफट से बताऊंगी इसको फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सी एच फोर वर्स फॉर्म विथ फर्दर कूलिंग वाटर वेपर कंड रेनफॉल हुआ बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कूल cool होने लगा ठीक है रेन होने लगी फिर प्रिमिटिव ओशन बने सबसे पहले ठीक है विद मॉलिक्यूल्स है ना ऐसे ही हुआ था ना फिर फटाफट फड़ से वो क्या वो क्या क्या कूल डाउन cool हुआ सारा कुछ एनर्जी फॉर द रिएक्शन केम फ्रॉम लाइटनिंग यूवी रेस कभी कभी आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्या लाइटनिंग यूवी रेस कॉस्मिक रेस से आई आपको एनर्जी ठीक ठीक है फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बने आपके मीथेन वगैरह फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बने फिर बायोमोलिक्यूल्स पे बात आई अमीनो एसिड्स बने सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसे कौन से अमीनो एसिड्स और शुगर एंड देन उसके बाद इनकी पॉलीमराइजेशन हुई तुम्हें तो पता ही है बायो हैलिक्यूल्स में पढ़ा है ना बायोमोलिक्यूल्स में पॉलीमराइजेशन होगी इसके सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स और हमारे पास इसका एग्रीगेट बनने लग गए

बायो बायोजियोग्राफिकल रेलम्स स्का इसमें भी देख लो पहले आर्टिक है आपका ओरिएंटल है इथायोपियन है नी है ऑस्ट्रेलियन है न्यूट्रॉपिकल इसमें आपको क्या करना है सो खाली नाम देखने आपने कौन सा नॉर्थ ये क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में पहले लेट मी टेल यू दैट सेपरेटेड बाय माउंटेन रेंज रेंज नॉर्थ हिमालयस चाइना एंड जापान ठीक है ओरिएंटल का इंडियन सब कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट मतलब श्रीलंका भी साथ में भूटान नेपाल म्यांमार सब इंडो हिमालयन रेंज ठीक है इथायोपियन में अफ्रीका नियर्कटिक में नॉर्थ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया न्यूट्रॉपिकल में साउथ अमेरिका ठीक है ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है राइट ठीक है तो देख लो अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो वैसे आपको पीडीएफ का मिल जाएगा बाद में ठीक है प्राइमेट्स की बात करें वैसे तो इस पर क्वेश्चन आता नहीं है बट स्टिल ठीक है प्राइमेट्स की बात करें तो सब बॉर्डर एंथ्रोपोईडिया, एंथ्रोपोईडिया हमेशा वर्ड्स ह्यूमन से रिलेटेड होता है ओके? याद रखना है इस बात को so इसमें क्या है प्रोसिमी में क्या है? लीमर एल टी एल क्या है लीमर, क्या है? लीमर, ओके? हां जी, तो में है ये ये साउथ एशिया में है और ये भी आपके साउथ एशिया में है लॉरिस ठीक है बोरिंग ह्यूमंस पढ़ना तो पड़ेगा ना पढ़ना तो ना? हाँ yes. monkey, नाम रखा ना इसका ये हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं डजेंट मैटर हाँ ह्यूमन का एवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए ह्यूमन ह्यूमन एवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कहां से स्टार्टेड ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस ठीक है ड्रायोपिथिकस से शुरू हुआ रामापिथिकस फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस पे आया होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस होमो सेपियंस फॉसिलिस एंड होमो सेपियंस सेपियंस कभी कभी आपको ये भी आ सकता है इसमें भी क्या था इसमें मेमोनिक लगाया था हमने कौन सा मेमोनिक लगाया था कौन सा मेमोनिक लगाया था oh no. Na -na 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 -na. कौन सा सॉन्ग है ये वजीदो वजीदो कौन सा है है ना टेस्ट बुक जीरो ड्रॉन सी कौन सा है ड्रॉन सी राइट हाँ हाँ दृष्टि से राम ऑस्ट्रेलिया में हंस देखने गए हाँ ये दृष्टि से राम ऑस्ट्रेलिया में हंस देखने गए क्या बात है ये भी बहुत बढ़िया है ठीक है हाँ जी दृष्टि दृष्टि से राम ऑस्ट्रेलिया में हंस 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 देखने गए मैं फिट नहीं कर पा रही हूँ मैं इसमें हमने क्या बनाया था हमने बनाया था ड्रोन सी है ना ऐसे ना लू फॉल सी सो तो ऐसे ड्रॉन सी ऐसे करके है ना इस तरीके से बनाया था हमने सो so, ये था आई थिंक सो क्या था मुझे याद नहीं आ रहा डी आर ए एच एच एन सी ऐसे कुछ सो ऐसे कुछ नियंड्रथल्स है ना ये ये नियंड्रथल्स है ना होमोसेपियंस फॉसिलिस एंड होमोसेपियंस सेवस ठीक है ना ड्रॉन सी एग्जैक्टली exactly, ड्रॉन सी बनाया था हमने इस पर है ना ड्रॉन सी ड्रॉ ड्रॉन से है ना ऐसे ऐसे कुछ करके बनाया था ना डी आर ए मैं खुद ही भूल गई में ठीक है। चलो भाई चलो कोई नहीं ठीक है आ, देख लेना वो को मैंने पुट किया हुआ है आ, मैंने हमने उसमें रखा हुआ उसको मेमोनिक्स में रखा था उसको ठीक है हाँ लुइस फॉन्सी चलो ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं सो गाइज ये मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं पर मैं ये जरूर बोलूंगी कि ये आपको जरूरी बहुत है हाँ यहां पे ड्रॉन सी फिट होता है शायद ड्रॉन सी डी आर ड्रा, ए ड्रायोपिथिकल इसने क्या क्या, क्या किया है? कितने कितने पुराने थे इसकी क्या क्या क्रेनिंग कैपेसिटी थी इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं वो पहले बता देती हूँ मैं आपको ठीक है इस इसपे क्वेश्चन आते हैं तो ये जो आपका फ्लो चार्ट है इसको आप देख लेना ठीक है दिस ऑल्सो होमोहेबिलिस हाँ एच एड ड्रॉन सी डी आर ए एच एन सी

अब हम आ गए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे याद है ये कौन सा सॉन्ग है ये हैं यस फिलहाल कौन सा सॉन्ग है ये फिलहाल बेख्याली नहीं है हमजा बेख्याली नहीं है भाई ये इट इज वॉट इट इज हाँ इनकम इनकम स्मॉल सी है मेरी पर स्वैग धाकड़ है ठीक है क्या है इनकम स्मॉल सी है इनकम स्मॉल सी है मेरी भर स्वाग धाकड़ है ठीक है तो कैसे ये सॉन्ग कैसे है देखो ये हमारा वायरल डिजीजेस के लिए कि कैसा है सा, सारा का सारा वायरल डिजीजेस है कैसे था ये हो इनकम स्मॉल सी है मेरी भर स्वाग धाकड़ है ठीक है ना तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है 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 फिर एक उसके लिए के लिए था एक ये? वो, उसके लिए 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 के था था ये नहीं वो वो तो ना ना दो दिल वाला है ना? Exactly. So, income small है मेरी पर धाकड़ exactly. so, इसको इस तरीके से याद करना देखो बहुत आसान है और इसको तुमने क्या करना है इसके पॉजिटिव एजेंट्स को याद रखना है ठीक so, है सो इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा हो गया कॉमन कोल्ड माम स्मॉल पॉक्स आपके सामने सब कुछ रख दिया गया है या तो आपको ही करना है मिक्स वायरस आई थिंक तो ये तुम्हारे को याद हो जाने चाहिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज मेन होता है ये याद करना बाकी तो तुम्हारे को इसको रिलेटेड ही होता है इसके बाद में भर स्वागत धाकड़ है ये yeah. है ना ठीक है हाँ पोलियो रेबिस सार्स हेपेटाइटिस एड्स गैस्टेरो डेंगी एंड येलो फीवर ठीक है देन पोलियो वायरस रैबडो वायरस सार्स कोरोना वायरस हेपेटाइटिस वायरस एच आई वी रोटा वायरस आर्बो वायरस एंड फ्लैवी वायरस ठीक है भाई चलो भाई हो गया ये डन या yeah? चलो नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो क्या तू चाहता है तो पहले डिप्टी ले आ ठीक है नो जन्म रहे हैं तो लाइक दैट सो क्या है टिप तू चाहता है तो डिप्टी ले आ तो ये बैक्टीरियल डिजीज के लिए था गाय टाइफाइड निमोनिया ट्यूबरक्लोसिस कॉलरा प्लेग डिप्थीरिया टेटनस एंड लेप्रेसी और ये आपके कॉजेटिव एजेंट्स रहे ये तुमको खुद पढ़ने हैं ठीक है यस चलिए होने लग गई अब स्पैमिंग आगे पता नहीं कहीं से उठ के चलो भाई सो इनकम स्मॉल सी है मेरी बट स्वैग धाकड़ है है ना ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं एकदम से मुझे समझ नहीं आता ये <laughs> अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है इधर बाढ़ सी आ जाती है इधर फटाफट -फड़ से हैं? होता है ना डन हो गया गाइस यस yes? चलो भाई चलो आगे चलते हैं तो इस पे मैंने कोई मेमोनिक नहीं दिया था मलेरिया अमीबिक डायसेंट्री एस्केरियासिस मलेरिया है आपका प्रोटोजोन डिजीज लिखा हुआ है सामने अमीबिक डायसेंट्री प्रोटोजोन डिजीज है एस्केरियासिस हेलमिंथिक फिलेरियासिस हेलमिंथिक और रिंगवॉर्म जो आपका फंगल डिजीज है ठीक है चलो डन हाँ। चलो भाई गाइस अब हम देखते हैं ब्रेक लें एक मिनट का ब्रेक लें एक मिनट ब्रेक लें थोड़ा थोड़ा वो कर लेते हैं सांस ले लेते हैं थोड़ा ही बचा है वैसे अभी सांस ले, ले थोड़ा थो थो थो. ब्रेक ले थोड़ा थो सा और बताओ तुम एक टाइम के बाद हाँ. इंट... गेट आउट सब बढ़िया है पढ़ पढ़ रहे हो तुम क्या चल रहा है आजकल प्री बोर्ड चल रहे हैं तुम्हारे क्या चल रहे हैं प्री बोर्ड चल रहे हैं नहीं मैं तो बढ़िया हूँ प्री चल रहा है बस ठंड बहुत ज्यादा हो गई है आजकल प्री चल रहे हैं तुम्हारे कि नहीं चल रहे हाँ चल रहा है क्या नहीं चल रहे चल रहे हैं ना आजकल प्री वोर्ड चल रहे ना तुम्हारे की यूनिट टेस्ट चल रहे हैं हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अच्छा तुम ट्वेल्व पास आउट हो अच्छा ट्वेल्व पास आउट हो नहीं चल रहे अच्छा अच्छा नहीं चल रहे अच्छा हाँ हाँ, नीट वाले अच्छा नीट वाले नहीं जो ड्रॉपर है उनके तो नहीं होंगे ना ऑफ कोर्स नहीं होंगे ऑफ हाँ ठीक है ठीक है बढ़िया बढ़िया mm. तो कौन कौन नॉर्थ इंडिया से कौन कौन से कौन कौन है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया से कौन कौन है नॉर्थ इंडिया वालों को तो काफी ठंड थंद, ठंडी हो गई है ना यहाँ पे हाँ पहाड़ी मेरे को बिल्कुल पहाड़ी आती है बोल के दिखाऊं पहाड़ी बोल के दिखाऊं <laughs> मैं मैं तिब्बत से हूँ कुछ भी एक्चुअली यूपी से हैं हम हाँ. पहाड़ी 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 में कैसे बोलेंगे आ, वो है ना यार कोई कुछ भी कुछ तुम तुम बताओ मतलब क्या बोलूँ मैं फिर मैं वो बोल के बता दूंगी चलो बताओ बताओ तुम जो बोलोगे मैं बोल के बता दूंगी अच्छा क्या पायल पायल तुम पहाड़ी हो क्या तुम पहाड़ी हो क्या तो हाँ ऐसे बोलना कि तुम कहाँ जा रहे हो तो तो हम चल लो ऐसे बोलते हैं तुम तो कुछ चल लो है ना कहाँ को कुलो है, तो है ना ऐसे करके हाँ तभी तो मैंने रोका था सोचना है ना ठंड ठंड बड़ी बड़ी ज्यादा है बार ऐसे यू नो सो लाइक दैट सो इट इज हाँ तो बोलिए यू लव लव अस आई डू ठीक है ना तो इसको पहाड़ी में तो फिर बड़ा ऐसे ना ऐसे ना हो जाएगा है, बड़ी 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 बड़ी, है बार, बड़ी, बड़ी है बार, ना? तो ना ऐसा है ना तो हमारे पहाड़ों में ना ऐसे गाना भी होता है तो कौन कौन पहाड़ियां पर मैंने देखा पायल तो पहाड़ों से आई मैंने मैंने देख लिया उसको है ना सो है ना आ, पहाड़ों में ना एक शिव भगवान का गाना होता है चलो हम हम ब्रेक ले रहे हैं बीच में तो हम कहना ओ जो सदा धूड़ुआपू लाण तेरे ओ लाई ओहोको जो धूड़ुआ बापू लाण तेरे हो लाई तो ये भगवाना ये भगवान शिव के लिए गाना है तो उनको धूड़ू बोलते हैं वहाँ पे <laughs> हो गया ब्रेक अब पढ़ लेते हैं थोड़ा चलो अब पढ़ते हैं <laughs> ठीक है चलो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सो so, इम्यूनिटी दो तरह की है आजकल कोरोना की वैक्सीनेशन चल रही है ठीक है जो इसराइल में बहुत खतरनाक साबित भी हो रही है वहां पे मैं <clears throat> मैं नहीं ऐसे बोल रही हूँ कुछ भी लगानी चाहिए वैक्सीनेशन बिल्कुल लगानी चाहिए बट देख के लगानी चाहिए तो गाइज मुझे तुम ये बता दो कि इनेट इम्यूनिटी होगी फिर वो या अक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी चलो शाह जल्दी से ये बता दो मुझे इनेट इम्यूनिटी होगी या अक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी कोरोना वाली जो तुम लोग लोगे अभी जाके जो तुम्हें अभी अभी टीकाकरण होगा ना आपका हाँ बताओ बताओ कौन सी इम्यूनिटी होगी आपकी वो हाँ वो आपकी इम्यूनिटी होगी अक्वायर्ड सो वैक्सीनेशन लेने जा रहे हो तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी हाँ जी तो एक तो आप लेके पैदा हुए हैं जो इनेट है इनबॉर्न है क्या बात है लेकिन कोरोना वाली ये है ये रही आपकी कोरोना वाली ठीक है so सो ये आपकी बी लिम्फोसाइड टी लिम्फोड सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल ठीक है ह्यूमोरल और सेल इम्यूनिटी ये लेने जाओगे आप बी लिम्फोसाइड्स और टी लिम्फोसाइड्स ठीक है भाई तो ये तुम लेके पैदा हुए हो फिजिकल बैरियर्स आपके स्किन फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर वगैरह सुनिए सुनिए सुनिए, क्या सुनिए बताओ साइट बैरियर कौन है सुनिए 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 हमारी बॉडी पे हमला हुआ है किसने हमला किया है वायरस ने हमला किया है सो इंटरफेरॉन को कौन ये बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन किस फॉर्म में कि भैया देखिए जो सेल इंफेक्ट जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं तो वो सुनिए सुनिए पूरी बॉडी में बता देते हैं जाके ठीक है बैरियर्स कौन से WBCs, ये हमारे मैक्रोफेजेस वगैरह तो सी बैरियर्स हैं सेल लेवल पे ठीक है ये हम लेके पैदा हुए हैं सारे एग्जैक्टली वेरी गुड बहुत बढ़िया मैं देख रहा हूं अभी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मैम यू आर ब्यूटीफुल सो आर यू ब्यूटी लाइज इन द द आईज ऑफ बिहोल्डर या ठीक है so, सो चलिए अब आपकी अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कोरोना वाली इम्यूनिटी है वो देखते हैं कि वो कौन सी इसमें है ना है समबड़ी praises यू यू शुड ऑल्सो प्रेज दम बैक ठीक है तुम्हें इसका सीक्रेट बताऊं तुम्हें इसका सीक्रेट बताऊं इसका सीक्रेट क्या है सुनना है सीक्रेट आपको सुनना है सुनना है, है? हाँ मतलब वही वही ठीक है सुनना है एक सीक्रेट सुनना है वेन यू वेन यू प्रेस समबडी नो यू टेक दियोर गुड यू नो दॉजिटिव एनर्जी राइट जब तुम्हें किसी की प्रेस करते हो ना तो तुम पॉजिटिव एनर्जी ले लेते हो ठीक है सो या सो प्रेज मोर इट्स अ डिवाइन क्वालिटी इट्स अ डिवाइन क्वालिटी तुम ज्यादा प्रेस किया करो मेरी प्रेस नहीं कुछ लोगों की आस पास में ठीक है हा ठीक है चलो भाई चलो

खोटे सॉरी सॉरी मतलब ये ऐसा खोटे आशा खोटे सॉरी सॉरी माय बैड सो सॉरी अबाउट दैट आशा खोटे को मतलब ये इनके घर गए एक दूसरे के लेकिन इन्होंने क्या किया उसको चिकन पॉक्स हो रखा था वो बेचारी जा ये हालचाल पूछने गई लेकिन उसको भी एक्सीडेंटल एक्सपोजर है क्या है एक्सीडेंटल एक्सपोजर है गाइस ठीक है

एंटीबॉडीज है ना घोड़े को क्या करते हैं मेरे को सपना आ रहा था आज मैं सपने में हाथी दिखा बेचारा हाथी मर गया वो आई फेल्ट सो बैड सुबह उठ के पता नहीं मतलब फॉर सम रीजन आई आई लाइक हाथी वेरी मच डोंट नो बट तो ये क्या करते हैं स्नेक का जो वेनम है उसको लेते हैं और हाथी में हाथी में नहीं सॉरी हॉर्स में डाल देते हैं फिर हॉर्स की बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है क्योंकि उसके लिए तो एंटीजन है ना फिर उस एंटीबॉडी को लेके वो रख लेते हैं ठीक है फिर रख लेते हैं फिर अगर सपोज किसी को ना पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा सांप बहुत ज्यादा होता है ना वहां पे काटते हैं तो वहां पे ये वेनम रह मतलब ये एंटी बॉडी रहती है फिर वो पूछते हैं कि अंजी आपको कैसे सांप ने काटा किस रंग का था कैसा दिखता था फिर उसके बाद में उसको वो इंजेक्ट कर देते हैं ठीक है थीके? तो वो पैसिव इम्यूनिटी है प्री प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी तो एक तो नेचुरली है तो नेचुरल की तो वो उसमें तो ऑब्वियसली नहीं होगी मैंने बात किया आर्टिफिशियली की आर्टिफिशली एंटी सीरम आफ्टर स्नेक बाइट है ना स्नेक बाइट में है ना और ये तो आप मदर से एक्वायर करते हो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको आना चाहिए ये फ्रॉम मदर टू फीटस कौन सी आ जाती है आईजीजी मदर टू न्यूबॉर्न जो कोलेस्ट्रोल में कौन सी होती है वो होती है आईजीए प्लीज उसको नोट कर लेना आईजीजी मदर से फीटस जो वूम में जाती है एंड देन न्यूबॉर्न में जो जाती है कोलेस्ट्रोल के थ्रू वो जाती है आईजीए ठीक है बेटा यस yes? समझ आया बेटा सबको है ना तो ये होगी आपकी अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया सबको समझ में आ गया ये आ गया किस किस को समझ में आ गया ये जल्दी से बता दो देखो बेटा बुरा मत माना एग्जाम्पल ले लेती हूँ पढ़ने में ना दिक्कत हो गई वहां पे ठीक है बुरा नहीं माना दिल पे नहीं लेना बातें ठीक है चलिए कुछ लोग पता क्या कह रहे हैं कुछ लोगों ने कहा था पहले कि कोरोना भी एड्स की तरह ही होगा लेकिन एड्स की आज से कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी ना तो ऐसे लोग कह रहे थे कि भाई कोरोना भी ना एड्स जैसा हो सकता है तो बट भगवान का शुक्र करो कि ऐसा नहीं हुआ ठीक है एड्स से तो फिर भी बचा जा सकता है लेकिन उससे कैसे है ना हाँ तो गाइस एड्स है कॉज्ड बाय तो सबसे पहली बात है एड्स का कोई क्योर नहीं है ठीक है ट्रांसमिशन कैसे होता है मेजर ट्रांसमिशन होता है इसका सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ब्लड ट्रांसमिशन मदर टू देखो कितना सुंदर चार्ट बनाया है ये देख रहे हो तुम है ना तुम्हें तुम्हारे को सारा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा एक ही में लाके रख दी हैं देखो तो टारगेट्स क्या है इसके हाँ ये यहां से क्वेश्चन आता है आपको मेनली इनफेक्ट सी फोर सेल्स हेल्पर टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसको अफेक्ट करता है हेल्पर टी सेल्स को अफेक्ट करता ठीक है मैक्रोफेजेस एक्ट्स एज अ फैक्ट्री

दस साल बाद डिटेक्ट होता है कि इसको थर्ड थर्ड स्टेज कैंसर है ट्रीटमेंट क्या है इसका पहले तो टेस्ट है इसके एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉट एंड पीसीआर तो बच्चे ये आपके टेस्ट हैं इसके पीसीआर जो है वो विंडो पीरियड में काम इसके काम आता है विंडो पीरियड कौन सा होता है जब कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे होते ठीक है, है एंट्री रेट्रोवाइल ड्रग्स आर गिवन फॉर एग्जाम्पल एस एक उसकी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ठीक है समझ में आया जो बातें कर लो तुम बेटा बातें कर लो तुम है ना, क्या, ये क्या, क्या, है ना सूट बढ़ते ही रहेंगे बाद में बातें तो आज ही होंगी है ना हाँ नहीं मतलब मैंने बोला था ना विनीता वैसे राइटर वैसे आर आई एस सी में भी करते हैं रात ठीक है चलो आगे चलते हैं चलिए <laughs> उड़ता पंजाब ठीक है छोड़ता पंजाब यानी नहीं यहां तो ये पढ़ना है इसमें से आते हैं। आप मेरे क्या आप देश के धरोहर हैं आपको इस वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बीट नीट बीट बोर्ड्स चाहे आप बोर्ड दे रहे हैं चाहे आप वो देखते हैं ना ठीक है तो भाई ये आपको जरूर देखना है बेटा इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा ठीक है So, बेटा देखो ऑपियोड सबसे पहले मैंने तो कई बार क्वेश्चन इसी पे देखा कि को कहां से किया जाता है, पोपी, चलो, को, ये है, भांग। ठीक है? इसको याद रख लेना भांग इसको लेकिन इसके बहुत सारी वराइटीज होते हैं बट इट इज लाइक दैट कोकोआ एल्कोइड और कोकेन ऑप्टेन फ्रॉम इरिथ्रोजाइलम कोकोआ इरिथ्रोजाइलम कोकोआ से इसको ऑप्टेन किया कभी कभी तो क्वेश्चन इसी पे आ जाता है ठीक है फिर कभी कभी एग्जामिनर इस पोर्शन में आता है कि भाई चलिए बताइए कि ये किसके काम आता है तो बेटा तो मतलब इसी के लिए किया गया था कि ड्रग्स बनाने के लिए लेकिन लोगों ने इसका ज्यादा खा पी के इसको खा पी गए मतलब इसको ड्रग्स को एक गोली खाई थी छह खा गए वहां पे तो उसको अब्यूज कर दिया यही मतलब है ना इसका ठीक है तो ये हीरोइन और स्मैक बेटा ये क्या करता है ये डिप्रेसेंट है ये डिप्रेस कर देता है इंसान को डिप्रेस <laughs> करता है चिंता और चिंता से मुक्ति बहुत ही कम समय के लिए चिंता से मुक्ति बहुत कम है कम समय के लिए डिप्रेसेंट है स्लो डाउन फंक्शन स्लो डाउन कर देता है फंक्शन ठीक है नंबर टू ये है आपका भांग प्रोड्यूस मैरिवाना हशिश कहते हैं चरस कहते हैं गांजा भी कहते हैं इसको इंटरैक्ट विद कैन रिसेप्टर्स इन ब्रेन तो ये भी यूफोरिया फीलिंग होती है कि मतलब हंस रहे हैं तो हंसते ही चले गए रो रहे हैं तो रोते ही चले गए खा रहे हैं तो खाते ही चले गए ठीक है ना तो मतलब ऐसे ही मतलब यू नो आई सॉ दिस टू पीपल मैंने उनको देखा था तो हंस रहे थे तो बिना मार के हंस ही जा रहे हैं है ना कोई चल के उठ के इधर भी जाए तब भी हंसी आ रही है उनको कोई बैठ रहा तब भी हंसी आ रही है उनको तो इस तरह का इस तरीके का हाल होता है इनका बिकॉज यहाँ पेट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में ब्रेन में होते हैं तो उनसे आगे जुड़ जाते हैं ये तो इस तरीके से है ना हाँ कोकोआ एल्कोलाइड -को बेटा ये कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रैक कोक इसको कहते हैं पर ये पीने वाला कोक बिल्कुल नहीं है उसको कंफ्यूज नहीं करना है ये स्टिमुलेट करता है बाकी डिप्रेस करते हैं ये स्टिमुलेट करता है हाइपर एक्टिव स्टेट चलो 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 हाई एनर्जी हाई एनर्जी फीलिंग रहती है हमेशा प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी चलो भी चलो ब्रेकडॉन ऐसे हैं ना ऐसे से रहते हैं। ऐसे. से रहते वो हमेशा एकदम ठीक है तो ये drugs वाला हो गया हमारा क्लियर है, है सबको ये क्लियर है सबको क्लियर है ये द, 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 सब है ये चलो ठीक है बायोटेक्नोलॉजी हमारा लास्ट पड़ाव अंतिम टॉपिक टौक, हमारा जल्दी से फटाफट हाँ परमानंद की अनुभूति

उसके बाद uh, में होस्ट में इंट्रोड्यूस करके आपको पता है मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे है ना, ऐसा होता है तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक है डीएनए लिया कट किया कट किया किसी रिस्ट्रिक्शन एंडो से फिर उसको वेक्टर में डाल दिया वेक्टर में डालने के बाद उसको होस्ट में डाल दिया

गाइज पीसीआर पीसीआर के टेक्निक के बारे में बात करते हैं पीसीआर मैंने आपको पहले ही बताया कि एड्स पेशेंट्स को भी इंफेक्टेड को क्योंकि ये किसी का जीनोम देखने के आती है, है ना काम या फिर ये वहाँ पे छोटा सा डीएनए मिलता है ना छोटा सा जैसे मैंने एक दिन हमजा का एग्जाम्पल दिया था कि पुलिस मैन है अगर तुम्हें याद होगा अगर मेरी क्लास लगाई हो तो उसको छोटा सा हेयर फॉलिकल मिला उसने लिया उसने अपने लैब में आया उसने देखा ठीक है तुम दिखा रही है तो छोटा सा डीएनए इसको कैसे करेंगे एम्पलीफाई कर देंगे

वो जल्दी से मुझे बता दो कि डीएनए पॉल वन में पॉल टू में या पॉल थ्री की कैटेगरी में जल्दी से बता दो फटाफट फड़ से कौन सी कैटेगरी में पॉल वन पॉल टू पॉल थ्री कौन सी कैटेगरी में टैक पॉलीमरेज थर्मोसिक्वेटिकस है ना हा, हाँ हाँ आरके बैक्टीरिया है आरके बैक्टीरिया है पॉल वन है पॉल टू है पॉल थ्री है जल्दी से जल्दी से दिस इज पॉल वन एग्जैक्टली पॉल वन है ना है ना कैटेगरी हाँ, में देखो ना बच्चे like teacher, है ना? आगे भी जा रहा है लेकिन पीछे भी देख रहा है मेरे बच्चों को कहा आते हैं देखा मैं तुम्हें, आज देखा, तुम्हें में बिल्कुल मजा नहीं आया तो तुम्हारा ना, ऐसे लटक रहा हवा में यू ऐसे करके हाँ, बाकी तो टॉपिक तुम्हें फिर भी पढ़ वो मैंने देख लिया प्रूफ रीडिंग एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो गाइज यहाँ से क्वेश्चन आता है यहां से आते हैं बीटी टी टॉक्सिन इन इन एक्टिव उसकी गट में जाके होते हैं ना? बीटी टॉक्सिन कौन रिलीज करता है ठीक thru, है थीके? तो वो क्या करता है प्रोटॉक्सिन in बाइट आता है इंसेक्ट आता है उसको बाइट करता है अल्कलाइन कंडीशन इन द इंसेक्ट गट गट में अल्कलाइन कंडीशन मिलती है टॉक्सिन जो एक्टिवेट हो जाता है मिड गट में चला जाता है ठीक है

तो किस किस के लिए यूज किए थे नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं जो कि है आपका फंक्शन ऑफ द जीन्स को स्टडी करने के लिए डिजीज की स्टडी को करने के लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है ना जैसे कि तुम्हारा एंटी ट्रिप्सिन है एनफाइजिमा को रोजी काव है ये मदर मिल्क के जैसा उसका मिल्क होता है उसको करने के लिए वैक्सीन की सेफ्टी जैसे भी कोरोना की वैक्सीन आई होगी तो पहले मंकीज वंकीज पे टेस्ट की गई होगी वो कितने हजारों मंकी मरे होंगे पहले ठीक है एनीवेज केमिकल सेफ्टी कोई कॉस्मेटिक्स है उसको यूज करने के लिए तो ये हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है इसका इसलिए यूज किया जाता है ठीक है गाइस डन डन एंड डस्टेड यस रैट्स पे भी किया जाता है डन तो आज के लिए इतना ही एंड आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द कम्प्लीटेड क्लास का जोअलॉजी पूरा ठीक है ना मेजर मेजर पोर्शन वी हैव हाईलाइटेड सो लुक एट दैट है ना आता है ना कॉन्फिडेंस ऐसी ऐसी चीजें करने से यस यस डन डन ठीक है आता है ना कॉन्फिडेंस आता है ना ऐसी चीजें करने से एग्जैक्टली exactly, तो ऐसी चीजें करते रहा करो ठीक है ना हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया यस yes. तो देखो हमने पूरी बायोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी मैं ये नहीं बोलूंगी सब लेकिन मेजर जो पार्ट यहां से क्वेश्चन आते थे वो आज हमने कर लिए राइट यस गाइस तो आमिर खान जी बोल रहे हैं समझ आएगा तो मजा आएगा और लीजिए टेन थाउजेंड का बेटा वो है और एट थाउजेंड में यू कैन टेक वाई अपलाइंग द कोड कूपन कोड एम एस नीड जिसको लगता है कि मेरी को थोड़ी और ग्रिलिंग की जरूरत है मुझे लगता है कि उनको जरूर लेना चाहिए क्रैश कोर्स ठीक है बिकॉज यहां पे क्या होता है ना देखो कभी स्पैमिंग चल पड़ती है कभी क्या हो जाता है सो लाइक दैट अगर आप ले सकते हो इफ यू फाइनेंशियल कंडीशन अलाउज आई थिंक यू शुड टेक इट ठीक है सो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डोंट वो टू लाइक द वीडियो अभी लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है और मिलते हैं आज शाम को विद अनदर टॉपिक ठीक है चलो बाय एवरीबॉडी बाय 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 बच्चा बाय 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 एवरीबॉडी बाय बच्चो बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल बाय सॉन्ग तो गा दिया ना आज सॉन्ग तो गा ही दिया आज चलो मेंटी मेंटी भी करते हैं मेंटी करते हैं चलो बाय बच्चों बाय बाय बाय